हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इससे पहले के जो 3 क्वेश्चंस हैं उनकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले आप उन वीडियोज को देख सकते हैं, उसके बाद में आपको जो है ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर किया था, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ इंटरनेशनल सिस्टम कर दिया है, बस इतना सा इसमें डिफरेंस है। पिछली वीडियो में जो हमने किया था उसमें क्या था, इंडियन सिस्टम था। सो यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो है कॉमर्स को भी लगाना है, प्लस इसमें आपको नाम को भी लिखना है। सो नेमिंग कैसे लिखेंगे और इसमें कॉमर्स कैसे लगाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, नंबर जो है आपको ऐसे दिया हुआ है, नंबर में हम कैसे लगाते हैं कॉमर्स, यहाँ पर मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ। नंबर आपका है 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2, बस इतना आपका नंबर है। तो सबसे पहले लगा दीजिए कॉमा, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाना है लेकिन, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको जो है 1, 2, 3 डिजिट्स के बाद लगा दीजिए कॉमा। 3 डिजिट्स के बाद लग गया कॉमा, इसके बाद में फिर से 3 डिजिट्स के बाद हम लगा देते हैं कॉमा, बस ये आपके कॉमास लग गए किससे, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। पहला कॉमा जो लगता है वो डिफाइन कर रहा है किसको, थाउजेंड्स को। इसके बाद में जो ये दूसरा मैंने कॉमा लगाया है 3 डिजिट्स छोड़ के, ये डिफाइन कर रहा है किसको, मिलियंस को। यहाँ पर हम लैक्स या करोड़ नहीं पढ़ते हैं, वो इंडियन सिस्टम में होता है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मिलियन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया है थाउजेंड के लिए, ये आपका हो गया है मिलियन के लिए। अब इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो नाम कैसे लिखेंगे ये हम देख लेते हैं। नाम आपका ये पड़ जाएगा, इसमें ये आपका लिखा हुआ है किसके लिए, मिलियंस के लिए, ठीक है। तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, आपको जो है साथ साथ में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने लगाया कॉमा यहाँ पर, ये वाला जो है ये मिलियन के लिए है, मैं ऊपर लिख देती हूँ उसको, तो उससे आपको ये पता रहेगा ये वाला कॉमा है मिलियन के लिए, ठीक है। ये वाला कॉमा है किसके लिए, थाउजेंड के लिए। तो चलिए नाम लिख देते हैं, सबसे पहले लिखा है क्या, 78, तो आप लिखिए यहां पर 78। अब ये जो कॉमा लगा है ये किसके लिए लगा है, यहाँ पे मिलियंस के लिए, तो यानी कि ये क्या है, 78 मिलियंस हैं, तो 78 मिलियन, ठीक है। इसके बाद में है 921, तो हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं, 900, ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं, तो हम इसको बोलेंगे 900। मैं यहां पर आपको लिख के दिखा देती हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा, 900। देन हम इसको पढ़ते हैं 21,000, क्योंकि ये वाला जो कॉमा है मैंने लिखा हुआ है, हमने किसके लिए लगाया है, थाउजेंड्स के लिए लगाया है, सो दिस इज 21,000। सो हम यहां पर इसके बाद में लिखना पड़ेगा आपको 21,000, देन इसके बाद में जीरो है तो इसको हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 92, तो बस आपको ये लिख लेना है। तो देखिए मैंने इसको कैसे जो है नेमिंग की है, नेमिंग मैंने इस तरीके से की है, ये वाला जो कॉमा लगा है ये मिलियंस को डिफाइन करता है, तो इसके पीछे जो भी नंबर लिखा है उतना मिलियन है, सो 78 मिलियन हो गया। इसके बाद में हम इंटरनेशनल सिस्टम में इसको पढ़ते हैं 900, तो यहां वाले नंबर को हम पढ़ेंगे 921 इस तरीके से, सो 921। अब ये वाला जो कॉमा है डिफाइन कर रहा है किसको, थाउजेंड्स को, तो इसका मतलब हो गया कि 21,000 हैं, सो 21,000 और वन टेंस वाले डिजिट्स में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 92, तो इसको आपको एज इट इज लिखना होगा। तो ये बिल्कुल सेम है, जस्ट इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में आपका ये थोड़ा चेंज हो गया है। सो ये आपका जो है आंसर हो जाता है इसके ए पार्ट का। इसके बाद में है इसमें बी पार्ट, बी पार्ट में आपको ये नंबर दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ आपको, ये नंबर इस तरीके से है 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें भी आपको कॉमास लगा देनी है, तो कॉमा लगाएंगे हम 3 डिजिट छोड़ के, 3 के बाद कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, अब उसके बाद में फिर 3 के बाद कॉमा लगा देंगे यहाँ पे, तो अब ये वाला जो कॉमा है ये लगा है मिलियन के लिए, ये वाला जो कॉमा है ये लगा है थाउजेंड के लिए, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, ये वाला कॉमा मिलियन के लिए मैंने लगाया, इससे पहले क्या लिखा है 7,
तो इसका मतलब क्या है कि 7 मिलियन है। सो इसको आप लिख दीजिए 7 मिलियन वर्ड्स में। इसके बाद में लिखा हुआ है 452 लिखा है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग 400। तो पहले आपको लिखना है 400, देन ये जो ये वाला कॉमा लगाया है, ये लगाया है मैंने थाउजेंड्स को डिफाइन करने के लिए। सो थाउजेंड्स को डिफाइन करने के लिए मैंने लगाया है ये वाला कॉमा, उससे पहले दो डिजिट है 52। तो इसका मतलब क्या है कि 52,000 है। तो इसी को आपको वर्ड में लिख देना है 52,000। इसी के बाद में आपके पास में दिया हुआ है 283। सो इसको आपको एज इट इज पढ़ना है 283, जैसे हम करते हैं 283। बीच बीच में आपको इनमें इस तरीके से हाइफन भी लगाने होते हैं, तो ये आपका पूरा इसका नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉमास कैसे लगाने हैं। अब जैसे आपने कॉमास लगाए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें नेमिंग भी करनी पड़ेगी। पहला कॉमा जो लगाया वो थाउजेंड, दूसरा वाला मिलियन के लिए। तो कॉमा से पहले जो नंबर है उतना मिलियन होगा, यहां पर कॉमा से पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उतना ही वो थाउजेंड में होगा। तो इसीलिए ये 7 मिलियन, ये 400 हो गया और 52,000 हो गया, बाकी का नंबर एकदम सेम है। सो यही आपका आंसर हो जाता है इसके बी पार्ट का। अब ये आपको सी पार्ट दिया हुआ है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें थ्री डिजिट्स के बाद ये कॉमा, थ्री डिजिट्स के बाद में ये कॉमा। तो यानी कि ये वाला हो गया बीच में, यहां पे आपको मिलियन लिखना है, और इस वाले कॉमे का मतलब है यहां पर आपको लिखना है थाउजेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी पार्ट में, ये आपको नंबर ऐसे लिखना है कॉमा के साथ में। अब इसकी नेमिंग के लिए आपको लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में लिखा है ये दूसरे वाले कॉमा से पहले लिखा है 99, तो इसका मतलब है 99 मिलियन। सो इसमें आपको लिखना होगा 90, हाइफन लगा के 99 मिलियन है। इसके बाद में लिखा है 985, तो इसका मतलब है 900, 900। अब ये जो ये वाला पहला मैंने कॉमा लगाया है ये किसके लिए लगाया है, थाउजेंड्स को बताने के लिए लगाया है। तो इस कॉमा से पहले लिखा है 85, तो हम इसको पढ़ेंगे 85,000 इस तरीके से। तो यहां पे आपको लिखना है 85,000। बाकी जो बचा हुआ नंबर है ये पूरा सेम ही रहेगा 102, 102, जैसे हम उस सिस्टम में करते हैं बिल्कुल, बाकी का तो सेम ही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये 99 मिलियन है, फिर 985,102, ये आपका आंसर हो जाता है इसके सी पार्ट का। इसके बाद में ये डी पार्ट आपको दिया हुआ है, इसमें भी आपको करना है, इसको मैं यहां पर लिख देती हूँ। ये है 480498831, ये नंबर है। इसमें आपको 1, 2, 3 के बाद कॉमा लगाना है, फिर 3 के बाद यहाँ पर ये कॉमा लग जाएगा। यहां पर जो है दूसरे वाले कॉमा पे आपको लिख देना है मिलियन, और इस वाली जगह पे आपको लिख देना है थाउजेंड। नेमिंग के लिए आपको यहां पर लिखना है 48 मिलियन। जो सेकंड कॉमा लगा है ये मिलियन के लिए लगाया है, इससे पहले लिखा है मैंने 48, तो ये 48 मिलियन हो गया है। आपको उसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना है 48 मिलियन। इसके बाद में है यहां पर जीरो, तो यहां पे यानी कि आपको 100 में कुछ नहीं लिखना है, अब डायरेक्टली आपको लिखना पड़ेगा 49,000। तो सेकंड कॉमा जो लगाया है वो मैंने थाउजेंड के लिए लगाया है, जीरो को हम नहीं लिखते हैं, तो ये आपका डायरेक्टली हो जाएगा 49,000। इसके बाद में है 831, सो 831 को आप कैसे पढ़ेंगे, 831। सो पूरा किस तरीके से करते हैं वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर मैंने पूरा बताया हुआ है। बाकी सीधा हम जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे, तो इंटरनेशनल मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है
कि क्या क्या यहाँ पे डिफरेंस है, किस चीज का आपको इसमें ध्यान रखना होता है और किस हिसाब से हमें इसमें नेमिंग कर रहे हैं। बाकी वो पूरा सेम ही है जैसे हमने उसमें किया था कि ये वंस है, ये टेंस है, ये वाली चीज ये हंड्रेड हो जाती है। सो ये जो है इसमें नेमिंग में आपका हो रहा है 48,49,831। ये आपका आंसर हो जाता है इसके डी पार्ट का। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और ऐसी ही और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।